आप सभी लोग जब भी सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर या टीवी इस तरह देखते होंगे तो एक शब्द आपको कुछ ज्यादा ही चर्चा में हमेशा बना रहता है। कौन सा? यह है आपका अपशिष्ट प्रबंधन। यानी कि सबसे पहले तो आपके दिमाग में आ जाता है कि आखिर अपशिष्ट होता क्या है। वैसे देखा जाता है कि प्रीलिम्स में भी आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं और मेंस में अभी आपके क्वेश्चंस लिखने को आते रहते हैं, और निबंध में भी इसमें जो आपके महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें आप डाल सकते हैं, आंकड़े हैं। एक तरह से आप लोग एक शब्द में, अगर एक लाइन में आप लोग परिभाषा बताना चाहें अपशिष्ट की, तो आप कह सकते हैं कि अपशिष्ट का सीधा सा अर्थ है, यानी कि सीधा सा मतलब है अवांछित या फिर अनुपयोगी। जैसे आपके घर से निकलता है कोई अवांछित अनुपयोगी सामान तो आप फेंक देते हैं, तो वही तो अपशिष्ट पदार्थ है। ऐसा तो है नहीं कि आप सोचिए कि सही आलू है आपके पास तो आप उन्हें भी रोड पर फेंक दें, ऐसा तो कभी देखा नहीं होगा आपने। यानी कि एक तरह से अनुपयोगी, जो हमारे उपयोग के लिए नहीं रहती है चीज, उसे हम लोग अपशिष्ट कह देते हैं एक तरह से। ये सामान्य परिभाषा है, ठीक है, याद रखिए। वैसे आपने, वैसे तो हर राज्य में आप देख रहे होंगे कि अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर हर कोई जागरूक है, लेकिन एमपी में मैंने देखा है कि कुछ ज्यादा ही लोग इसमें जागरूक हैं। लोगों की छोड़िए, सरकार भी काफी अच्छी देखभाल करती है, और आप देख रहे हैं कि अभी जो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 आया हुआ है, इसमें भी आपने देखा है कि इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, वो टॉप पर चल रहा है। क्या चल रहा है? नंबर एक पर बना हुआ है 4 साल से, ये चौथी बार है, समझ रहे हैं आप लोग? तो चलिए देखते हैं इसके क्या, इसमें इसे मतलब व्यवस्था करने के लिए क्या 5 सूत्रीय कार्यक्रम है हो सकते हैं और क्या सुधार हो सकते हैं, इससे हमें मुक्ति मिले एक तरह से। वर्षों की उपेक्षा, दूरदर्शिता की कमी और शहरी नियोजन की पूर्ण अनुपस्थिति ने भारत को अपशिष्ट लैंडफिल, अपशिष्ट चौक नालियां, जल निकायों, नदियों को अपशिष्ट ढंग से में बदल दिया है। पूरे भारत में लगभग 48 मान्यता प्राप्त लैंडफिल, जिसमें लगभग 5,000 एकड़ भूमि को कवर किया हुआ है, जिसका कुल भूमि मूल्य में लगभग आप देखेंगे कि 1 लाख करोड़ रुपए हैं। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 275 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है। लगभग 20 से 25% की वर्तमान अपशिष्ट उपचार दर के साथ इस अपशिष्ट का अधिकांश हिस्सा अनुपचारित रहता है, नष्ट नहीं करते हैं। एक बात आप लोग सोचिए, सीधा सा कहने का मतलब है कि आप देखते हैं कि आपके आस पड़ोस में भी आप देखते हैं कि कई ढेर लगे रहते हैं कचड़ों के, फिर आप देखते हैं वही कचरा क्या करता है, नालियों में जाता है, चोक हो जाती है, उसके बाद आप देखते हैं कि बीमारियां फैलने लगती हैं नालियों से, जो भी गंदा पानी आ रहा होता है वो रोड पर फैल जाता है, उससे मच्छर पनपते हैं और भी जीवाणु इस तरह के पनपते हैं और आपको एक तरह से बीमार कर देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि यही जल जाएगा, यही अपशिष्ट जाएगा, नदियों में मिल जाएगा, वही आप देखेंगे बाद में आपके पानी पीने के काम आता है, कुओं में चला गया, तो इस तरह की विधि का आपको देखने को मिलता है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि गंगा कितनी गंदी हुआ करती थी, 2014 के बाद कुछ ज्यादा ही सुधार हुआ, अच्छा बेहतर स्कोर किया गया है। अभी आपने देखा है कि यमुना भी इसी तरह गंदगी हुआ करती थी, तो काफी हद तक उस पर एक तरह से आप कहिए कि अंकुश लगाया गया है। गंगा का प्रदूषण होने का, यानी कि गंदगी उसमें मिलाने का काम एक ही था कि इलाहाबाद, इसके पास जो भी शहर थे उनका जो भी अपशिष्ट निकलता था, जो भी वहां का गंदा पानी था, वो डायरेक्ट छोड़ दिया जाता था उसका बिना उपचार किए, मतलब उसे बिना, आप सोचिए कि जो भी उसमें मिलाया जा रहा है सब गंगा में मिल जा रहा है, समझ रहे हैं? आपने देखा होगा कि कानपुर के पास फैक्ट्रियां हैं, कानपुर के पास जो चमड़े की फैक्ट्रियां हैं, उसका भी पानी डायरेक्ट गंगा में छोड़ा जा रहा था, इससे भी आप देखते रहे थे, लेकिन आप काफी प्रबंधन कर दिया गया। अब आपने देखा होगा गंगा काफी शुद्ध हो चुकी है, तो आप सोच रहे हैं कि इससे कितना नुकसान है। देखिए, 500 एकड़ भूमि को कवर किया हुआ है, कहने का सीधा सा मतलब है कि आप अपने गांव के आसपास देखिए, शहर के आसपास बड़े बड़े ढेर लगे होंगे पहाड़ टाइप के, दिल्ली में आप देख लीजिए बड़े बड़े पहाड़ बन चुके हैं कचड़ा, इसे हम लोगों ने प्रबंधन नहीं किया है। आप सोचिए कि वो भूमि कवर किए हुए हैं, जिस भूमि की लागत कितनी है, 1 लाख करोड़ रुपए। कितना? 1 लाख करोड़ रुपए, समझ रहे हो? भारत में प्रतिवर्ष अगर हम देखें तो 775 मिलियन टन अपशिष्ट उत्पन्न होता है,
आप समझ रहे हैं कितना, 275। ये आंकड़े आप लोग मेंस में डाल सकते हैं, अगर आपसे इंटरव्यू कहीं हो रहा है तो आप वहां भी बता सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। वस्तुतः भारत में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अनुभवों व निष्कर्षों के आधार पर एक ऐसे धारणीय तंत्र के निर्माण की कवायद चल रही है, जहां आम व्यक्ति, उद्योग एवं सरकार तीनों के हितों को ध्यान में रखते हुए संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा की जा सके। अतः मूल लक्षण एक धारणीय व अनुक्रियाशील प्रबंधन तंत्र को विकसित करना है, जो अपशिष्ट निर्माण, संग्रहण, निस्तारण में सभी पक्षकारों की भूमिका तय करते हुए उनके कर्तव्यों व जिम्मेदारियों को परिभाषित कर एक सक्षम और अनुक्रियाशील तंत्र का निर्माण करें। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र के कार्यकरण में 5 सूत्रीय कार्य योजना, जिसमें आप नहीं देखेंगे वहनीय तकनीक, त्वरित खरीद, नई नीति, कुशल मानव संसाधन और शून्य अपशिष्ट समाज को अपनाने की आवश्यकता है। तो यही हम जानने की कोशिश करते हैं। एक सोचिए एक बात आप लोग की, चलिए पानी आपके यहाँ आ रहा है, आप उसका नहाने में यूज कर रहे हैं आप लोग, तो नहाने के बाद उसे आप लोग इकट्ठा तो कर सकते हैं। चलिए उसका इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, वो पेड़ों के काम तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है, तो इस तरह से प्रबंधन कर सकते हैं आप लोग। अब देखिए जहां नल लगा रहता है वहां आप देखिए कि पानी बहता रहता है, तो उसे भी रोककर आप लोग काफी हद तक बचा सकते हैं। एक समय आप ही सोच लिए, एक समय ऐसा आएगा कि पानी पानी के लिए हम लोग तरस जाएंगे। कभी आपने देखा है कि टंकी खाली हो जाती है तो हम एक मग्गे के लिए भी तरस जाते हैं, यही स्थिति एक दिन बन जाएगी, क्योंकि एक समय आप देखा करते थे कि पानी की कोई कमी नहीं थी, आप जाते थे कुएं में हाथ डालकर कुएं से निकाल लेते पानी, आज आप देख रहे हैं कि कितनी गहराई के बाद भी कुएं करते जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारे पास पानी काफी उपलब्ध नहीं है। अगर पानी की अगर आपको वैल्यू यानी कि मूल्य समझना है, कीमत समझनी है आपको, तो कभी बघेलखंड जाइए, कभी आप बुंदेलखंड जाइए। यार ठीक है आपका जो बर्बाद कर रहे हैं उनकी बात छोड़िए, पर पीने के लिए लोग तरस जाते हैं। आ मैंने देखा है कि 5 से 6 किलोमीटर दूर से पानी लाया जा रहा है, महिलाओं की स्थिति कभी देखी है वहां जाकर, तो इसलिए थोड़ा बचाना तो मुझे लगता है कि ध्यान देना चाहिए हमें। लेकिन हम अपनी मतलब बेइज्जती सम्मान से जोड़ के देखने लगते हैं, कभी रेलवे पर आपने देखा नल खुला हुआ है तो आप उसे बंद नहीं करेंगे, आप बंद अगर कर भी देंगे तो आपको लगेगा अरे लोग क्या कहेंगे। मैंने हमेशा एक शब्द बोला है आपसे, यहां जो धरती पर रह रहा है इन लोगों की कुछ औकात नहीं है। आपको मालूम होगा कि अगर आप सफल हैं तो आपके तलवे चाटने के लिए 1000 लोग, आप अगर विफल हैं तो आप अगर उनसे हाथ भी अपना साथ भी देने के लिए कहोगे कोई नहीं देगा। वो कहावत है ना कि दुनिया झुकती है, झुकाना भी झुकाने वाला भी तो चाहिए, तो मैं तो कहता हूं कि दुनिया तलवे चाटती है, चटवाने वाला तो होना चाहिए। आप देखते तो हैं सक्सेस का वही साथ, हर कोई साथ दे रहा होता, एक फेलियर होगा उसका कोई साथ नहीं देगा, इस बात को आप लोग हमेशा देखते रहते हैं, समझ रहे हैं। तो आप अगर मजबूत हैं मुझे लगता है तो हर कोई आपके साथ खड़ा हुआ है, और मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई दोस्त तुम्हारा अगर कमजोर हो तुम तो दे सकता है। एक समय सोचिए आप लोग कि अमेरिका का मैं उदाहरण देने लगता हूं, अमेरिका कुछ आजकल भारत से कुछ ज्यादा ही नजदीकियां बढ़ा रहा है, हम लोग बेवकूफ हैं, हम लोग हंस जाते हैं कि अमेरिका हमारा साथ दे रहा है। अमेरिका एक समय हुआ करता था कि अमेरिका चीन और पाकिस्तान का साथ देता था, 1971 के युद्ध में आपने देखा भी है, और रूस हमारा मित्र हुआ करता था, तो अमेरिका एक बहुत मतलबी दोस्त है, यानी कि हमारे आजकल के जो दोस्त रहते हैं हम लोग देखते रहे, इसी तरह है कि अगर उसका काम निकल रहा है तो वो अपने दोस्त दुश्मन को भी दोस्त बना लेगा। आज ठीक है भारत से काम इसलिए निकल रहा है क्योंकि दक्षिण चीन सागर या चीन को अगर आगे बढ़ने से रोकना है तो भारत की मदद उसे चाहिए, समझ रहे हैं। और अगर कल हो सके कि कल हो जाए कि भारत को रोकने के लिए चीन की मदद चाहिए, तो वो चीन के साथ मिल सकता है, उसमें कोई दोहराय नहीं है, समझ रहे हैं। तो एक तरह से अपने आप को मजबूत रखिए, दूसरे पर कम ही भरोसा करिए, जब आप खुद मजबूत होंगे तो दूसरे भी आपके साथ ही जुड़े रहेंगे, ठीक। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अपशिष्ट क्या है। तो इस तरह के जहां भी नल देखा करें आप लोग, या फिर आप मंजन कर रहे हैं तो उस समय भी बंद करके आप अच्छे से व्यवस्था कर सकते हैं, सोच सकते हैं, आप देखिए कर सकते हैं आपका जैसा मन। अब आप सोचेंगे आपके करने से क्या फर्क पड़ेगा अकेले,
मैंने कर दिया क्या फर्क पड़ता है, दो चार अगर नहीं किया तो दो चार बाल्टी निकल गया क्या फर्क पड़ता है। तो एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, माफ करिएगा, फिर आगे बढ़ते हम लोग। एक गांव में दूध के लिए कुछ धर्म हो रहा था, धर्म का काम हो रहा था, उसके लिए दूध चाहिए था। तो गांव वालों ने सोचा कि चलिए गांव भर दूध दे रहा है, मैं एक लोटा पानी दे दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। तो याद रखिए ये सोच पूरे, मतलब आप सोचिए पूरे गांव में फैल गई, यही सोचने लगे, और सबने एक एक लोटा पानी डाल दिया उसमें टंकी में। बाद में जाके खोला तो उसमें पूरा पानी भरा हुआ था। तो यही आप सोच रहे हैं, यही सामने वाला सोच रहा था होगा कि हमारे करने से क्या फर्क पड़ेगा। यही अगर आप सोचिए कि 1947 से पहले सोचा जाता तो आज भी हम गुलामी गुलाम होते, दूसरे आपके यहाँ काम कर रहे होते। तो उन्होंने सोचा मिले तब जाके हमें आजादी मिली। आजादी तो हमें मिल गई थी 1947 में, लेकिन हम आजादी पूरी तरह से आजाद नहीं हुए, अंग्रेजों से आजाद हो गए थे, लेकिन हमें यहाँ क्या करना था उसकी बात थी। अपशिष्ट क्या है? शहरीकरण, औद्योगिकरण, जनसंख्या में विस्फोट यानी कि इनके बढ़ने के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 21वीं सदी में राज्य सरकारों तथा स्थानीय नगर निकायों के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बन गई है, क्योंकि अधिकतर में आप देखेंगे कि इनका उपचार नहीं किया जाता है, इकट्ठे ढेर लगा दिए जाते हैं और या तो उन्हें जला दिया जाता है, इससे आप देखते हैं कि प्रदूषण फैलता है, वायु प्रदूषण भी फैल जाता है। तो इनका बेहतर प्रबंधन होना चाहिए। विशेषज्ञों के अनुसार अपशिष्ट का आशय हमारे प्रयोगों के पश्चात शेष बचे हुए अनुपयोगी पदार्थ से होता है। यदि शाब्दिक अर्थ की बात करें तो अपशिष्ट अवांछित और अनुपयोगी सामग्री को इंगित करता है, यानी कि जो गलत खराब सामान बचता है हमारे साथ। ठीक है, अपशिष्ट का अगर हम लोग प्रकारों की यानी कि टाइप देखें, इसके कितने तरह के होते हैं। ठोस अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट के तहत घरों, कारखानों, अस्पतालों से निकलने वाले अपशिष्ट शामिल किए जाते हैं। तरल अपशिष्ट, अपशिष्ट जल संयंत्रों और घरों के आदि से आने वाला कोई भी द्रव आधारित अपशिष्ट को तरल अपशिष्ट के तहत हम लोग रखते हैं। सूखा अपशिष्ट, अपशिष्ट जो किसी भी रूप में तरल या द्रव ना हो उसे सूखे अपशिष्ट के रूप में हम लोग देखते हैं। बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, कोई भी कार्बनिक द्रव जैसे मिट्टी में जीवों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मेथेन में संश्लेषित किया जा सकता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, कोई कार्बनिक द्रव जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मैथेन में संश्लेषित नहीं किया जा सकता है। ये आप कह सकते हैं कि ये आपके पांच तरह के हैं। अब बात करते हैं अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य क्या होता है। प्रबंधन का आप समझते हैं कि किसी भी आपके सामने आता है कि चलिए इस योजना का प्रबंधन कर लेते हैं, मतलब कि उससे मतलब एक तरह से आप सही करके एक योजनाबद्ध तरीके से क्या कर सकते हैं, उनका उपाय क्या कर सकते हैं। प्रबंधन का मतलब यही हो जाता है, एक तरह से उपाय, ये समाधान। अपशिष्ट प्रबंधन से तात्पर्य उस संपूर्ण श्रृंखला से जिसके अंतर्गत विशिष्ट विशिष्ट अपशिष्ट के निर्माण से लेकर उसके संग्रहण, परिवहन के साथ प्रसंस्करण एवं निस्तारण तक की संपूर्ण प्रक्रिया को शामिल किया जाता है। उक्त प्रबंधन तंत्र के अंतर्गत विभिन्न चरणों यथा संग्रहण, परिवहन, उपचार, निगरानी के साथ निस्तारण को भी शामिल किया जाता है। अपशिष्ट पदानुक्रम 3 R का अनुसरण करता है, जिसमें आप देखेंगे न्यूनीकरण, रिड्यूज, पुनः उपयोग, रीयूज और पुनः चक्रण, रिसाइकल के रूप में संदर्भित किया जाता है। ये 3 R अपशिष्ट प्रबंधन रणनीति को अपशिष्ट न्यूनीकरण के संदर्भ में उनकी अवांछनीयता के अनुसार वर्गीकृत करते हैं। याद रखिए इनको आप लोग मेंस में आराम से लिख सकते हैं, आंसर राइटिंग में डाल सकते हैं इन पॉइंटों को अच्छे से। अगर हम अपशिष्ट प्रबंधन की पिछली विधियों की बात करें, लैंडफिल यह वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रयोग होने वाली सबसे विचलित विधि है। इस विधि में क्या देखेंगे, शहरों के आसपास के खाली स्थानों में अपशिष्ट को एक एकत्रित किया जाता है। ऐसा करते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि यह वह क्षेत्र जहां अपशिष्ट एकत्रित किया जा रहा है मिट्टी से ढका हो, ताकि संदूषण से बचाव किया जा सके। जानकारों का मानना है कि यदि इस विधि को सही ढंग से डिजाइन किया जाए तो यह किफायती साबित हो सकती है। फिर आपने देखा है इंसिनरेशन, इस विधि में अपशिष्ट को उच्च ताप पर तापमान पर तब तक जलाया जाता है जब तक कि वह राख में ना बदल जाए। अपशिष्ट प्रबंधन की विधि को व्यक्तिगत, नगर पालिका और संस्थानों के रूप में किया स्तरों पर किया जा सकता है। इस विधि की सबसे अच्छी बात यह है कि यह अपशिष्ट की मात्रा को 20 से 30% तक कम कर देता है। हालांकि यह विधि अपेक्षाकृत काफी महंगी मानी जाती है। फिर आपकी एरोलिसिस,
अपशिष्ट प्रबंधन की इस विधि के अंतर्गत ठोस अपशिष्ट को ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना रासायनिक रूप से विघटित किया जाता है। एक तरह से आप सोचिए कि ये तीन विधियां तो छोड़िए, आप भी तो अपने यहाँ आसपास देखते रहते हैं। अभी आपने देखा है कि आपके यहाँ गीली कचड़े की गाड़ी अलग आती है, सूखे कचड़े की अलग आती है, तो गीले कचड़े का आप इस तरह से उपयोग कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। समझ रहे हैं, बिजली भी इससे उत्पादन करने की विधियां आ चुकी हैं, तो उसे भी कर सकते हैं आप लोग। आपने देखा है कि जब भी फसल कटती है तो उसे ठूंठा रह जाते हैं, तो क्या करते हैं कि किसान जला देते हैं उसे। जलाने से एक नुकसान नहीं, दो नुकसान है। एक तो वायु प्रदूषण को छोड़िए, वो चलिए आपकी समस्या नहीं है, वो सबकी समस्या है, लेकिन किसानों का आप देखिए कि जब आप इस तरह की फसल को जलाते हैं, जो मतलब ठूंठे रह जाते हैं, तो उससे जो आपकी धरती में केंचुए होते हैं, जो इस तरह के जीव होते हैं जो आपकी फसल को उपयोगी, यानी कि आपकी उत्पादकता तो को बढ़ाते हैं फसल की, वो भी मर जाते हैं। तो इससे क्या होंगे कि आपकी फसल पर भी प्रभाव पड़ता है। एक काम कर सकते हैं इसमें आप बेहतर तरीके से, क्या कर सकते हैं कि फसल कटी उसी समय आप हैरो मशीन, इस तरह की आती है, कई मशीनें आती हैं, चलवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़े कर देगा वो आपकी उस फसल की ठूंठों का, और आपकी धरती में मिला देगा, यानी कि मिट्टी में मिला देगा। जब बरसात होगी, पहली बरसात होगी, तो वो सड़ने लगेगा, और जब आप उसे दोबारा जोतेंगे तो वो आपके खेत में मिल जाएगा। खेत में मिल जाएगा तो याद रखिए आपकी फसल के लिए खाद, मतलब आप सोचिए कि एक देसी खाद बन जाएगा, और आपकी फसल को काफी लाभ भी देगा ये। ठीक है, ये भी आप कई जगह आपको देखने को मिला है और देखते रहते हैं। ठीक है, इस तरह जगह तक। चुनौतियों की अगर हम बात करें तो भारत में अधिकांश शहरी स्थानीय निकाय वित्त, बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी की कमी के कारण कुशल अपशिष्ट प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष करते हैं। आप समझ सकते हैं इस तरह की चुनौतियां भी सामने देखने को मिल रही हैं। किसी के पास वित्त नहीं है, किसी के पास बुनियादी ढांचा नहीं है, या किसी के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। शहरीकरण में तीव्रता के साथ ठोस अपशिष्ट उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जिसके ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को काफी हद तक बाधित किया है। अब साथ सोचिए कि शहर बढ़ेगा तो सीधी सी बात है कि इस तरह के अपशिष्ट निकलेंगे, कचरा निकलेगा। हालांकि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 में अपशिष्ट के अलगाव को अनिवार्य किया गया, परंतु अक्सर बड़े पैमाने पर इस नियम का पालन नहीं किया जाता है। अधिकांश नगर पालिकाएं बिना किसी विशेष उपचार के ही ठोस अपशिष्ट को खुले डंप स्थलों पर एकत्रित करती हैं। अक्सर इस प्रकार के स्थलों से काफी बड़े पैमाने पर रोगों के जीवाणु पैदा होते हैं, और आसपास में रहने वाले लोग भी इससे काफी प्रभावित होते हैं। इस प्रकार के स्थलों में से जो दूषित रसायन भूजल में मिलता है, वह आम लोगों के जनजीवन को काफी नुकसान भी पहुंचाता है। कई विशेषज्ञ इन स्थलों को वायु प्रदूषण के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं। एक अन्य समस्या की अगर बात करें हम लोग, तो अपशिष्ट प्रबंधन के लिए जो वित्त आवंटित किया जाता है, जिसका अधिकांश हिस्सा संग्रहण व परिवहन को मिलता है, वही प्रसंस्करण व निपटान हेतु बहुत कम हिस्सा रहता है। भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का गठन मुख्यतः अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा किया जाता है, जिनमें से अधिकांश शहरों में रहने वाले गरीब होते हैं, और अनौपचारिक श्रमिक होने के कारण इन लोगों को कार्यात्मक और सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल पाती है, यानी कि काम करने वालों की बात की जा रही है। तो ये आपकी समस्याएं हैं, यानी कि चुनौतियां हैं। अब प्रभाव की बात कर लेते हैं। यह अपशिष्ट का उचित प्रबंधन ना किए जाए तो ये समुद्री तटीय जैसे विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्रों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। समुद्र अपशिष्ट को बीते कुछ वर्षों में एक गंभीर चिंता के रूप में देखा जा रहा है। इससे न केवल समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि इससे कई समुद्री प्रजातियों का जीवन भी प्रभावित होता है। आप सोचिए, खुद ही सोचते हैं आप लोग, चलिए आपके यहाँ से कोई कोई भी अपशिष्ट निकला, कोई बेकार सामान निकला, चलिए कोई आप सोचिए कि ऐसे आप सोचिए द्रव निकला जो विष है, ठीक है, वो देखेंगे आप नदियों में मिल रहा है, नदियों से कहाँ जाएगा जल, समुद्रों में, तो आप समझ सकते हैं कि वहां जीव रह रहे होंगे, उन पर भी तो प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि सभी पूरी परिस्थिति को बिगाड़ के रख देता है। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई हुई थी, तो उस पर चिंता जताया गया, क्योंकि अंटार्कटिका पर भी प्रदूषण देखने को मिला है। क्यों जताया गया है, क्योंकि आप देखते हैं वहां इंसान नहीं रहते, फिर भी अगर प्रदूषण फैल रहा है, वहां पहुंच रहा है, तो एक चिंता का कारण बन जाता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप में से अपशिष्ट हमारे स्वास्थ्य एवं कल्याण को भी कई तरह से प्रभावित करता है। जैसे मैथेन गैस जलवायु परिवर्तन में योगदान करती है,
स्वच्छ जल स्रोत दूषित हो जाते हैं। अभी आप देखते हैं कई रिपोर्टें भी आती रहती हैं कि आधे से अधिक लोग मतलब स्वच्छ जल भी नहीं पी पा रहे हैं। देखा है आप लोग कई बार देखते रहते हैं कि गांव में ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह से व्यवस्था है। अपशिष्ट से न केवल पारिस्थितिकी तंत्र और स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है बल्कि यह समाज पर आर्थिक बोझ को भी बढ़ाता है। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन में भी काफी धन खर्च होता है। एक बात आप जानते हैं कि सोचिए आप बीमार हो गए तो क्या होगा, आर्थिक बोझ ही तो बढ़ेगा आपके ऊपर, यानी कि तबीयत खराब हो गई तो इलाज करवाएंगे और वैसे भी आपकी आर्थिक स्थिति खराब है तो और आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन, इन सभी आपके जो भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है इनके बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बात कर चुके हैं सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए। तो आप जाइए प्लेलिस्ट सूची में, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, उसमें आपके राष्ट्रीय संगठन भी पढ़ाए गए हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी। WHO के अनुसार भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके 22 प्रकार की बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। कितना, 22। आप समझ सकते हैं कि अगर एक भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में, अगर आप इस तरह से आप सोचिए कि ठोस अपशिष्ट में अगर आप लोग कंट्रोल कर लेते हैं तो 22 तरह की बीमारियों को आप लोग रोक सकते हैं। WHO की स्थापना की बात करूं तो 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आप जानते हैं 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं अपशिष्ट प्रबंधन हेतु वैधानिक प्रयास। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016, नियमों के अनुसार प्रदूषणकर्ता संपूर्ण अपशिष्ट को 3 प्रकारों यथा जैव निम्नीकरण, गैर जैव निम्नीकरण एवं घरेलू खतरनाक अपशिष्टों के रूप में वर्गीकृत करके इन्हें अलग अलग डिब्बों में रखकर स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अपशिष्ट संग्रहकर्ता को ही देंगे। इसके साथ ही स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित प्रयोग शुल्क का भुगतान प्रदूषणकर्ता द्वारा किया जाएगा। ये शुल्क स्थानीय निकायों द्वारा निर्मित विनिर्मित से निर्धारित किए जाएंगे। इस नियम के अंतर्गत विभिन्न पक्षकारों यथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे वायु, जैसे पर्यावरण मंत्रालय हुआ, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय, रासायनिक एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, जिला मजिस्ट्रेट, ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आदि के कर्तव्यों का उल्लेख भी किया गया है। फिर आपका कंस्ट्रक्शन एवं डेमोलिशन अपशिष्ट प्रबंधन नियम, ये नियम भवन निर्माण और उससे संबंधित सभी गतिविधियों पर लागू होते हैं जहां से अपशिष्ट निर्माण होता है। इस नियम के अंतर्गत ये प्रावधान है कि जो अपशिष्ट उत्पादन करता 20 टन प्रतिदिन व 300 टन प्रति महीने समान या उससे अधिक अपशिष्ट का निर्माण करेगा उसे प्रत्येक निर्माण व तोड़फोड़ के लिए स्थानीय निकाय से उपयुक्त स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। फिर आपका आता है ई कचरा प्रबंधन नियम 16 अक्टूबर 2016 से प्रभाव में आया है। ये नियम प्रत्येक निर्माता, उत्पादनकर्ता, उपभोक्ता, विक्रेता, अपशिष्ट संग्रहकर्ता, उपचारकर्ता व उपयोगकर्ताओं को आदि सभी पर लागू होता है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों को औपचारिक रूप दिया जाएगा और श्रमिकों को ई कचरे के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षित भी किया जाएगा। अब बात करते हैं 5 सूत्रीय कार्य योजना की। तो वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। विशेषज्ञों ने इसके लिए 5 सूत्रीय कार्य योजना प्रस्तुत की है जो नीचे आपके दिए जा रहे हैं। एक बात और याद रखिए, आपने देखा होगा कि स्वच्छ भारत अभियान को हम सभी लोगों ने मतलब एक तो सोचिए कि राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, इससे आप देखेंगे नीचे सबसे निचले तबके का भी व्यक्ति जुड़ा हुआ था और सबसे ऊपर मतलब ऊपर तबके का भी व्यक्ति जुड़ा हुआ, तब हम लोगों ने इतनी स्वच्छता एक तरह से आप समझिए कर पाया, समझ रहे हैं? वरना आप सोचिए कि नेता तो कुछ भी कह देते और योजनाएं कुछ भी ला देते लेकिन कभी भारत इतनी अच्छी स्थिति में ना पहुंच पाता, समझ रहे हैं? तो सबको इसमें मतलब एक तरह से भागीदार होना पड़ेगा। बहनीय तकनीक, सर्वप्रथम नगर पालिकाओं को बहनीय तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने की आवश्यकता है जो कि भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो। वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक अधिकांश प्रौद्योगिकी उपकरण आयातित महंगे हैं और अक्सर हमारी विभिन्न स्थानीय स्थितियों में अनुकूल नहीं होते। भारत को अपनी जटिल शहरी संरचना के लिए सस्ती विकेंद्रीकरण अनुकूली समाधान की आवश्यकता है।
उदाहरण के लिए जल निकायों को साफ करने के लिए रोबोट्स का प्रयोग किया जा सकता है। एक आप सोचिए, मान लीजिए कि अगर आपके पास इस तरह की कोई प्रबंधन की व्यवस्था हो जाए कि चलिए आप जो भी आपके यहाँ से कचरा निकल रहा है उसे आप खाद में बदल सकते हैं, और आपको सस्ती अगर कोई मशीन इस तरह की मिल जाए तो आप आराम से उसे अफोर्ड कर सकते हैं, यानी कि खरीद कर आप इसको अपना सकते हैं। लेकिन वही तकनीक अगर आपकी महंगी है तो आप नहीं खरीदेंगे, आप उसे कचरे को फेंकना ही पसंद करेंगे। तो सस्ती एक तरह से आप कहिए वहनीय तकनीक, यानी कि सस्ती तकनीक उपलब्ध हो। त्वरित खरीद प्रक्रिया, अपशिष्ट प्रबंधन में तकनीकी उन्नयन हेतु त्वरित खरीद प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है। लंबी प्रशासनिक प्रक्रिया के कारण प्रौद्योगिकी और उपकरणों की खरीद में अत्यधिक समय लग जाता है। बंबई नगर पालिका को ऊर्जा संयंत्र के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आवश्यक उपकरणों को खरीद करने में लगभग 7 वर्ष का समय लग गया है। कितना? 7 वर्ष का। फिर आपकी एकीकृत नीति, अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक एकीकृत नीति की आवश्यकता है, जिससे अपशिष्ट के विभिन्न प्रकारों का निस्तारण करने में सहूलियत होती होगी। इसके माध्यम से हजारों एकड़ भूमि लैंडफिल से मुक्ति कराई जा सकती है। फिर आपका कुशल मानव संसाधन, अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्रों के संग्रह संग्रह संचालन रख रखाव, अपशिष्ट प्रबंधन श्रृंखला को संचालित करना तथा बनाए रखने के लिए कुशल और प्रशिक्षित पेशेवर कर्मियों की नियुक्ति पर ध्यान देना होगा। फिर आपका शून्य अपशिष्ट समाज, भारत पारंपरिक रूप से एक ऐसा समाज है जहाँ वस्तुओं को की बर्बादी बहुत कम है और सब कुछ पुनः उपयोग और पुनः नवीकरण किया जा सकता है। हमें ऐसे समाज को के विकास को बढ़ावा देने की जरूरत है। आप भी तो देखते हैं कि हम लोग मंजन को तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक कि उसके बाल पूरे ना फिर जाए। आप लोग जब भी मंजन का जो ट्यूब आता है उसका तब तक यूज करते हैं जब तक कि उसमें खत्म ना हो जाए, काट के भी हम लोग यूज कर लेते हैं, तो ये अच्छी बात है। आगे की राय की बोल रही हूँ, अगर बात करूं कि क्या हो सकती है, तो देश को एक व्यापक अपशिष्ट प्रबंधन नीति की आवश्यकता है जो बी केंद्रीकृत अपशिष्ट निपटान प्रथाओं की आवश्यकताओं पर बल देती है, ताकि इस क्षेत्र में निजी प्रतिभागियों का हिस्सा लेने को का प्रोत्साहन मिले और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अनुसंधान विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। नीति निर्माण के समय हमारा ध्यान और अधिक लैंडफिल के निर्माण के बजाय पुनर्चक्रण और पुनर्प्राप्ति पर होना चाहिए। तो ये पूरी कहानी थी आपकी अपशिष्ट पदार्थों की, और उनसे जो भी प्रबंधन थे, चुनौतियां थी, समाधान थे, हो चुका है। इससे क्वेश्चंस मैंने देखा है कि हमेशा बनता आया है, क्योंकि क्वेश्चंस हमेशा उससे पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं, जो हमारी जरूरत है। ठीक है, तो आप लोग बड़े अच्छे से ध्यान रख लीजिए इन पॉइंटों को, और आप मेंस में भी इन्हें यूज कर सकते हैं जहां भी आपका आंसर राइटिंग आता है किसी भी परीक्षा में। ठीक है।